उपचुनाव में जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनुजीत यादव और सपा नेता शिवपाल सिंह यादव आमने सामने आ गई हैं। शिवपाल ने सैफई परिवार के दामाद पर निशाना साधते हुए कहा कि इनसे रिश्तेदारी टूटी सो टूटी, अब इन्हें यानी अनुजेश को कभी पार्टी में नहीं लिया जाएगा। शिवपाल सिंह यादव के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि चाचा पहले खुद देख ले कि अखिलेश यादव ने उनके साथ क्या किया था। दरअसल रविवार को समाजवादी पार्टी ने करहल विधानसभा क्षेत्र स्थित ओए शाहजहांपुर के कॉलेज में डिंपल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव ने सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पहले धर्मेंद्र यादव ने बिना नाम लिए अपने जीजा अनुजेश प्रताप यादव से पहले ही रिश्ता खत्म करने की बात को दोहराया। उसके बाद जो है शिवपाल यादव ने भरे मंच से भाजपा प्रत्याशी अनुजेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि रिश्तेदारी टूटी सो टूटी, अब इनको कभी पार्टी में नहीं लिया जाएगा। वहीं शिवपाल एक सवाल के जवाब में कहते हुए नजर आए कि ऐसे भगोड़ों को पार्टी में कभी नहीं लिया जाएगा। सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार में सैफई परिवार एकजुट दिखाई दे रहा है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के बयान पर पलटवार करते हुए अनुजीत प्रताप यादव ने कहा कि चाचा मेरे लिए सम्मानित हैं, लेकिन अब वो जिस तरह बयान दे रही हैं, पहले चाचा अपने गिरेबान में झांक कर देखें कि उनके साथ अखिलेश यादव ने क्या किया था। जब चाचा ने भी सपा के खिलाफ जाकर अपनी पार्टी बनाई थी, चाचा का तो अखिलेश ने पहले ही अपमान किया, फिर चाचा कैसे वापस सपा में पहुंच गए। मैंने कभी न पार्टी में जाने की कोशिश की और न ही कभी जाऊंगा। मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, इसलिए बीजेपी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। अगर प्रत्याशी नहीं भी बनाती तो भी मैं भाजपा में ही रहता। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये पीडीए नहीं परिवारवाद है। क्या कोई प्रत्याशी नहीं मिला यादवों के सपा को लड़ाने के लिए? सपा ने करहल विधानसभा उपचुनाव में तेज प्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई को टिकट दिया है। रिपोर्ट में देश और दुनिया की